मोदी जी, मैं आराम से रजाई ओढ़े लेटा था, आप मुझे घर से उठा के लिए चले आए इतनी ठंड में। अरे देख रहे हो कितना भयंकर कोहरा है, आप मेरे पास में चल रहे हो, आप भी मुझे सही से नहीं दिख रहे हो। अरे मुझे ऐसी मजदूरी नहीं करना है, दो चार दिन मैं इतनी कड़कती ठंड में घर बैठ के खा लूंगा लेकिन मजदूरी पे नहीं आऊंगा। अरे मोदी जी, केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत भयंकर ठंड है, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे यहाँ पर शहर में आके मजदूरी करने का क्या फायदा, अरे अपने गांव में कम से कम जगह जगह आग तो जलती रहती है, यहाँ पर तो कोई आग जलती हुई नहीं दिख रही है जिससे के हाथ को सेक लो। और मोदी जी, आपको ठंड नहीं लग रही है, आप तो बिल्कुल बिना कंबल के ऐसी चले आए, हम तो कंबल ओढ़े हैं फिर भी हमें इतनी ठंड लग रही है। राहुल तुम भी अजीब बात करती हो, मुझे ठंड क्यों नहीं लगेगी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, क्या बताऊं मेरा कंबल फट गया इसीलिए कंबल ओढ़ कर नहीं आया। तुम सब लोग तो कंबल ओढ़ के आए हो और तुम तो हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हो, मैं तो ऐसी चला आया, देखो मेरे हाथ कपकपा रहे हैं बिल्कुल ठंड में, एक हाथ को मैं जेब में डाले हुए हूँ, एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़े हुए हूँ। अरे केजरीवाल, ये तुम्हारे बराबर में अखिलेश है क्या? अरे हाँ ये तो अखिलेश है, अखिलेश तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मोदी जी, गांव में कोई दूध खरीद नहीं रहा, मैंने सोचा मैं शहर में दूध बेच के चला आता हूँ, इसीलिए दूध बेचने जा रहा हूँ शहर में। अरे बहुत ठंड है मोदी जी, अगर कल को मेरा गाँव में दूध नहीं बिका तो मैं दूध की खीर तो बना के खा लूंगा लेकिन शहर में बेचने के लिए नहीं आऊंगा। अरे कैसे नौजवान हो अखिलेश, कैसी बातें करती हो, काम से क्यों बसती हो? अरे तुम्हारा तो अपना काम है, तुम दूध बेचने जा रहे हो, हम तो मजदूरी करने जा रहे हैं शहर में, हम बिल्कुल ठंड को नहीं देख रहे। अब तो खैर थोड़ी उम्र हो गई, जवानी में मैं सर्दी में धोती कुर्ते में मजदूरी करने के लिए चला जाया करता था, कोई ना स्वेटर ना कंबल कुछ नहीं पहनता था मैं। अरे राहुल थोड़ा सा इधर को आ जाओ, अंदर साइड से चलो, मोटर गाड़ी चल रही है रोड पर, अपनी साइकिल को बिल्कुल बीचा बीच रोड पर चला रहे हो तुम। अरे मोदी जी, चलते चलते एक आध गाना कुना सुना दो, कम से कम ठंड कम लगे, आपके गाने में ध्यान बढ़ जाए। चलो अभी सुना देते, लो अभी सुनो, यहाँ हूँ चाहे कोई मुझे। अरे नहीं मोदी जी, ये मत सुनाओ, ये मत सुनाओ, इस गाने को सुनाते ही तुम ज्यादा जोश में आ जाते हो, इस गाने को रहने दो, फैक्ट्री पहुँचने वाले है, लौटते टाइम सुना देना गाना आप। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल जल्दी आओ, जल्दी आओ, अपने खेत पर जाकर देखो, तुम्हारे खेत में जानवर घुस गए, तुम्हारी फसल को खा रहे हैं जानवर, जाके देखो। अच्छा ये बताओ अखिलेश, जानवर फसल को नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? अरे जानवर का काम ही होता है फसल को खाना, जाओ अपना काम करो, जाकर अपनी फसल की रखवाली करो। यहाँ पर आ गए, आराम से मैं खाट पर लेटा आराम कर रहा था और योगी जी की कहानी सुन रहा था। अरे जाओ अखिलेश अपना काम करो जाकर, अच्छा खासा मैं राहुल को कहानी सुना रहा हूँ, यहाँ पर आ गए तुम। अरे पूरे 50 बीघा की जमीन है राहुल की, एक आध बीघा अगर जानवर खा भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम अपनी 2 बीघा की जमीन देखो जाकर, तुम्हारी जमीन को जानवर ना खा जाए। वैसे राहुल कहां पर थे कहानी में अपना? अरे योगी जी वहां तक तुमने कहानी सुना दी थी कि मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती कर ली। योगी जी मुझे तुम्हारी कहानी समझ में नहीं आ रही है, बंदर मगरमच्छ से दोस्ती कैसे कर सकता है? अरे राहुल हो सकता है, कहानी में कुछ भी हो सकता है। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी बताओ, कहानी में कुछ भी नहीं हो सकता। अरे योगी जी कौन सी कहानी सुना रहे हो आज राहुल को तुम, क्या खाट पे बैठने की इजाजत है, हम भी बैठ जाएं? अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, आप ही की तो खाट है, बैठो आराम से। अरे मोदी जी ये मुझे वो कहानी सुना रहे हैं बंदर और मगरमच्छ वाली, बंदर ने मगरमच्छ से दोस्ती कर ली। बंदर और मगरमच्छ में कैसी दोस्ती हो सकती है मुझे ये बताओ, मगरमच्छ पानी में रहता है जबकि बंदर पेड़ पे रहता है। योगी जी तुम भी अजीब अजीब कहानी सुनाती हो, तुम राहुल को हाथी और घोड़े वाली कहानी सुनाओ, वही वाली सुनाओ। चलो एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, बहुत पहले की बात है, दो अलग अलग राज्य में दो राजा राज करते थे, एक राजा के पास हाथी थे और एक राजा के पास घोड़े ही घोड़े थे। भाई योगी जी क्या दो ही राजा थे, तीसरा भी तो कोई राजा होगा, उसके पास क्या पता ऊंट ही ऊंट हो। अरे मोदी जी तुम तो राहुल से ज्यादा बीच में बोलते हो, कम से कम कहानी को तो पूरा होने दो। मैं तो कह रहा हूँ आज भी राजाओं का राज चलता होता उससे राहुल तुम्हें क्या फायदा होता। अरे सारे के सारे जानवर उन्हीं के पास रहते, हाथी घोड़े ऊंट, तो हमारी फसल खाने वाला कोई नहीं होता। अरे राहुल गांव की जिंदगी बहुत बढ़िया है जहां पे तुम रह रहे हो, कहां राजा महाराजाओं के राज की बात कर रहे हो, अपने गांव से ज्यादा सुकून कहीं नहीं है। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या लगता है राहुल तुम इस प्रतियोगिता को जीत जाओगे? बिल्कुल मोदी जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैं ही जीतूंगा, मेरी गाय पूरे 30 लीटर दूध देती है और इस अखिलेश की गाय सिर्फ 25 लीटर, तो हम दोनों का मुकाबला ही क्या, ये तो बेफालतू में प्रतियोगिता करवा रहा है। वो जमाने गए राहुल जो मेरी गाय 25 लीटर दूध दिया करती थी, इस टाइम मेरी गाय 35 लीटर दूध दे रही है, अभी पता चल जाएगा। डिम्पल जल्दी जल्दी से दूध निकालो गाय का। अखिलेश मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता,
करता। तुम्हारी गाय 25 लीटर दूध देगी अभी सामने पता चल जाएगा, इसीलिए तो मैंने मोदी जी को बुलाया यहाँ पर। मोदी जी ही फैसला करेंगे इस बात का, अभी सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मम्मी जी आज बहुत सही से निकालो दूध गाय का। अरे निकाल तो रही हूँ बेटा राहुल, तू तो बेफालतू में गदर मचाता है। एक तो मुझे इस गाय के मारने से बहुत डर लगता है। अरे डरती क्यों हूँ मैं, इसके पास बैठा हूँ आराम से, नहीं मारेगी ये, मैं पास में बैठा हूँ इसके। तुम निकालो दूध को। पता नहीं आज क्या हो गया, गाय सही तरीके से दूध दे ही नहीं रही है। डिंपल ज्यादा बातें मत बनाओ, आज इज्जत बेइज्जती का सवाल है, सही तरीके से दूध निकालो गाय का। अखिलेश बुरा मत मानना, मुझे ये लगता है तुम हार जाओगे, क्योंकि डिंपल और सोनिया जी ने एक साथ दूध निकालना चालू किया था और मैं अभी तक देख पा रहा हूँ कि राहुल की गाय ने ज्यादा दूध दिया है। अरे मोदी जी देखते रहो, अभी से परिणाम पर क्यों पहुंच रहे हो। मेरी गाय शुरू शुरू में दूध कम देती है, फिर आखिर में बहुत दूध देती है, यही मेरी गाय की खासियत है। क्यों डिंपल, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ लेकिन आप मेरी बात को मान ही नहीं रहे। कैसे, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रही हो डिंपल तुम। लगता है आज गाय सबके सामने दूध दे ही नहीं रही है। अखिलेश अब तो हार मान लो, मैं कहता हूँ अब तो हार मान लो, तुम्हारी गाय का दूध कम है राहुल की गाय के सामने। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। डिंपल बिल्कुल सही कह रही है, मेरी गाय सबके सामने दूध दे नहीं रही है। ऐसा है सब लोग इसके सामने से हट जाओ फिर ये दूध देगी। ये बहाना नहीं चलेगा अखिलेश, प्रतियोगिता सबके सामने होती है समझे। राहुल की गाय क्यों दूध दे रही है सबके सामने। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। योगी जी मुझे ये तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अरे कौन सी बात मोदी जी, मुझे तो बताओ कौन सी बात। अरे ये बताओ, तुमने ठंड में नहलाने का काम चालू किया है, एक बड़े से बर्तन में नीचे आग जलाकर पानी गर्म कर रहे हो और उसी में बैठ बैठ कर लोग नहा कर जा रहे हैं। मैंने भी सोचा मैं भी नहा लूं, लेकिन ये क्या, एक तो इतनी भयंकर ठंड थी और मैं कपड़े निकाल कर जैसे इस भगोने में बैठा ये तो पानी बिल्कुल ठंडा है। तुम आग सही तरीके से जला ही नहीं रहे हो, पानी गर्म हो ही नहीं पा रहा है, बेफालतू के 5 रुपए ले रहे हो तुम। इससे तो अच्छा मैं घर जाके ठंडे पानी में नहा लेता। अरे योगी जी इस बर्तन के नीचे और लकड़ी जलाओ, पानी तो थोड़ा गर्म होने दो। अरे मोदी जी को ठंड लग रही है, बिल्कुल ठंडा पानी है भगोने के अंदर। देखो भाई जिसको नहाना है वो नहाए, जिसे नहीं नहाना है वो चला जाए। 5 रुपए में मैं इस बर्तन के नीचे पूरे जंगल की लकड़ी थोड़ी जला दूंगा। अरे घर पर तो इतनी सर्दी में बिल्कुल बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी है, मैं भगोने में कम से कम पानी गुनगुना करके तो दे रहा हूँ हल्का गर्म करके। यहाँ पर नहाने पर तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। कैसे ठंड नहीं लगेगी योगी जी, मैं बिल्कुल ठंड से कांप रहा हूँ, इससे तो मैं कपड़े ही नहीं निकालता। अरे भाई मुझसे 5 रुपए और ले लेना, 10 रुपए ले लेना, मुझसे डबल पैसे ले लेना, लकड़ी और जला दो इस भगोने के नीचे। अरे मोदी जी मुझे लगता है आप भी योगी जी की बातों में आ गए, जैसे कल मैं आ गया था। मैं समझा नहीं केजरीवाल कल कैसे तुम बातों में आ गए थे योगी जी के। अरे मैंने सोचा इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है और योगी जी 5 रुपए में नहाने के लिए गर्म पानी करके दे रहे हैं, तो मैंने सोचा 5 रुपए की तो बात है मैं भी नहा लेता हूँ। लेकिन मैं जैसे इनके इस बर्तन में बैठा बिल्कुल बर्फ के जैसा पानी, ये तो इस बर्तन के नीचे आग बस दिखाने की जलाते हैं, 2-4 घास फूस इधर उधर से इकट्ठी कर लेते हैं वो ही जला देते हैं, लकड़ी तो बचा कर रखते हैं, लकड़ी जलाते ही नहीं है इसके नीचे। इनके इस भगोने में नहाने के बाद मेरा ये हाल हुआ है कि कल से मैं कंबल लपेटे फिर रहा हूँ, मेरी ठंडी नहीं जा रही है। आप गलत नहालिए इनके इस बर्तन में। अरे भाई आया तो मैं भी था 5 रुपए देकर नहाने के लिए, लेकिन केजरीवाल तुम्हारी और मोदी जी की हालत देखकर मैं भाई नहीं नहाऊंगा, मैं चूल्हे पर घर ही पर थोड़ा सा पानी गर्म करके नहा लूंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।